क्या आपको पता है कि इस बार फाइनेंस बिल 2021 ने ऐसे ऐसे चेंजेस किए टीडीएस में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन विच चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल 2021 जो फिलहाल ही कुछ दिन पहले बजट में पास हुआ था। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि टीडीएस में कुछ ऐसे चेंजेस है जो डेफिनेटली आपके कंप्लायंसेस को बढ़ा सकता है फ्रॉम द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22। स्टूडेंट्स, नॉन स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सी दिस वीडियो। अगर आप अभी देख रहे हो तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, मैं पूरा आपको ये खतरनाक चेंज के बारे में बताने वाला हूँ। यू प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपके जितने भी बिजनेस में जान पहचान के लोग हैं, जितने भी योर वेल विशेज है, सबके साथ ये वीडियो शेयर करना। इस बार फाइनेंस बिल ने एक ऐसा प्रोविजन इंसर्ट किया है सेक्शन 194Q में। मैं आपको फाइनेंस बिल के साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ कि देखिए ये फाइनेंस बिल में ये प्रोविजन इंसर्ट किया है सेक्शन 194Q ने। 194Q ये बोलता है कि अगर कोई भी बायर किसी भी रेसिडेंट को जिससे वो कोई भी गुड्स खरीद रहा है, एक बायर किसी भी रेसिडेंट से कोई भी गुड्स खरीद रहा है जिसकी वैल्यू पूरे साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, अगर आप अपने सेलर से गुड्स खरीद रहे हो और उससे पूरे साल भर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपया से ज़्यादा आप गुड्स खरीद रहे हो, तो आपको जब आप उसको अपने बुक्स में उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे या फिर जब आप उसे पे करोगे, विच एवर इज अर्लियर, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, 0.1% ऑफ द एक्सेस अमाउंट। यानी 50 लाख से जितना अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे 80 लाख पेमेंट किया पूरे साल भर में, तो 50 लाख का लिमिट जैसे क्रॉस होगा तो उस एक्सेस लिमिट पे, एक्सेस कंसिडरेशन पे आपको 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया है फ्रॉम 1st of July 2021, यानी आने वाले साल में 1st July 2021 से दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द बायर्स हु आर पेइंग, हु आर परचेजिंग गुड्स ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 lakhs इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो उन्हें टीडीएस 0.1% में काटना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या इसमें सारे बायर्स इंक्लूडेड है? नहीं सर, ऐसा प्रोविजन ऑलरेडी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस में 206C सबसेक्शन 1H में ऑलरेडी है। मैं आपको बता देता हूं, जो 1st October 2020 लास्ट ईयर ऑलरेडी सरकार टीसीएस इसमें लगाया था कि अगर कोई सेलर किसी बायर से एग्रीगेट में 50 लाख रुपया से ज्यादा रिसीव कर रहा है कंसिडरेशन, तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था 0.1%। अगर आपको याद होगा तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था 0.1%। टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? सेलर बायर से कलेक्ट करता है। लेकिन टीडीएस कौन काटता है? बायर टीडीएस काटता है ऑन पेइंग कंसिडरेशन टू द सेलर। इसमें भी टीडीएस इंपोज किया गया है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेमेंट कर रहा है या अपने बुक्स में क्रेडिट कर रहा है टू अ पर्सन एक्सीडिंग ₹50 lakhs इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो उसे टीडीएस 0.1% काटना पड़ेगा। राइट, नाउ इसमें एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे बायर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जिस भी बायर्स का यानी जो भी पर्सन जो बाई कर रहे हैं, अगर उनका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट या बिजनेस से जो टर्नओवर आ रहा है, जो वो अर्न कर रहे हैं पिछले साल में, अगर वो 10 crores एक्सीड करता है, ड्यूरिंग द इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल वो गुड्स की परचेज कर रहे हैं उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका टर्नओवर 10 crores एक्सीड करता है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। ये सेम चीज टीसीएस में भी है, जो लास्ट ईयर 1st October 2020 से 206C सबसेक्शन 1H में आया था, वहां पे भी वही सेलर एप्लीकेबल थे टीसीएस लायबल के लिए जिनका प्रीवियस ईयर में 10 crores से ज्यादा टर्नओवर है। सिमिलरली इन दिस प्रोविजन, अगर आपका बायर का टर्नओवर 10 crores से ज्यादा नहीं है पिछले साल में, जिस साल वो गुड्स खरीद रहा है, तो इन दैट केस टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, और फ्यूचर में गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ ऐसे लोग को भी, पर्संस को, जिनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। थर्ड पॉइंट इस सेक्शन में ये है गाइस, अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, अगर उस पेमेंट में ऑलरेडी आप टीडीएस काट रहे हो, मान लो अगर आप कोई और सेक्शन में टीडीएस काट रहे हो ऑलरेडी, देन इन दैट केस आपको ये सेक्शन में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अगर मान लो कोई और भी तो टीडीएस का सेक्शन हो सकता है ना, कि पेमेंट करते समय हम उसमें टीडीएस अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हमें फिर भी इस सेक्शन 194Q में क्या हमको फिर भी टीडीएस काटना पड़ेगा? द आंसर इज नो. इट क्लियरली सेज सबसेक्शन नंबर 5 दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन to which tax is deductible under any of the provision of this act. अगर tax दूसरे provision में deductible है तो definitely इस section में TDS deductible नहीं होगा. Plus अगर कोई भी transaction में TCS collect हो रहा है, यानी सोचो seller buyer से TCS collect कर रहा है, तो in that case buyer को फिर से TDS काटने की requirement नहीं है. अगर tax collect हो रहा है 206C section में, तो in that case buyer को TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सक्लूजन है. अगर सेलर TCS कलेक्ट कर रहा है 206C 1H में, जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2020 से आया था, तो इन दैट केस बायर को भी TDS काटना पड़ सकता है अगर उसके ऊपर एप्लीकेशन है. तो यानी सर वो वाला TCS जिसमें एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर सेलर TCS कलेक्ट करता है, तो बायर भी उसमें TDS के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है एज सच. उसमें भी बायर के ऊपर भी TDS का इंप्लीकेशन आ सकता है. लेकिन अगर कोई और ट्रांजैक्शन है जिसमें सेलर TCS कलेक्ट कर रहा है अदर देन दैट 50 लाख वाला प्रोविजन, इन दैट केस बायर को फिर TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच TDS इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर सेक्शन या फिर एंड टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C अदर देन द ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाइज. तो अगर टैक्स डिडक्टेबल हो गया अदर प्रोविजन में तो TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर टैक्स कलेक्टेबल हो गया अंडर TCS प्रोविजन अदर देन 206C 1H, तो भी TDS का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ध्यान रखिए, अगर आप पेमेंट करें एक पार्टी को 50 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको TDS काटना पड़ेगा 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसी तरीके से बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस है जो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोज में डिस्कस करता रहूंगा. उसके लिए आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है इफ यू वॉन्ट टू गेट दी रेगुलर अपडेट्स ऑन TDS और एनी अदर प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स, GST. इसी तरीके से मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज बनाता रहूंगा ताकि आपको इमीजिएटली घर बैठे बैठे सब आप पढ़ाई कर सको. सब लोग पढ़ो, खाली स्टूडेंट्स क्यों, सब लोग पढ़ो, सब लोग इस नॉलेज बैंक का फायदा उठाओ. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. हैव अ नाइस डे.